शैतान से डरो मत, उसे डराओ। बचो मत, बचने की कोशिश मत करो शैतान से, उसे भगाने की कोशिश करो। बाइबल में कहीं नहीं लिखा शैतान से बच के रहो, परमेश्वर ने कहा शैतान का सामना करो। हालेलुया। और उसने कहीं नहीं लिखा बाइबल में कि व्यभिचार का सामना करो, कहता व्यभिचार से बच के रहो, भाग जाओ। जिससे कोई वास्ता ही नहीं है उस लड़की को काउंसलिंग देने की कोशिश मत करो। चर्च में चल जा, तू ठीक हो जाना है, तेरे भी प्रभु ने छू लेना है, तेरे भी प्रभु ने रहके आ जाना है, तेरा भी पाप खत्म हो जाए। नो, छोड़ दो उसे। व्यभिचार को, व्यभिचार का सामना मत करो, अपने आप को मजबूत मत समझो। बाइबल में लिखा है व्यभिचार से भाग जाओ। आमीन। काउंसलिंग मत करो जिसको छोड़ना है। आमीन। काउंसलिंग की जरूरत नहीं है उसे। नहीं जी, रूह खराब हो जाएगी। बहुत सारे बैठे पास्टर बचान लू, रूह तेरी रूह लू। जब तेरी रूह खराब होती है ना, वो बहुत बंदे बैठे हैं, बचा लूंगा प्रभु, प्रेयर करियो तेरे। हालेलुया। वड़ा प्रचारक ना बन दो, बजा लेगा परमेश्वर। बहुत सारिया बुढ़िया औरतें है प्रचार कर, उन्होंने दिल नहीं करता प्रचार कर, घर कि छन जा रहा है जी। आमी लिफ्ट कि दे रहे जिन्ना कोई काम है। होर भी बुढ़िया है रस्ते बेचारे को तुर नहीं होता, उन्होंने कभी लिफ्ट नहीं दी। तुम अपनी नीयत वधिया करो, 2017 वधिया ही है फिर। हालेलुया। परमेश्वर ने किथे लिखा कि सामना करो, परमेश्वर कहता शैतान का सामना करो, पर वे भी चाहे जो सामने आए भजो। यूसुफ ने उन्हें काउंसलिंग देने की कोशिश नहीं की थी कि नहीं नहीं मेरा परमेश्वर जो होवा है उन्हें ऐ लिखे है, तू ऐ करी, चल मैं तेन भवन च लैके जाना, मैं तुम याद कोई कहना भजया उतो भजते भजते भजया लगा कोर्ट के हाथ आ गया, इन जोर से भजया उतो। यूसुफ जिन्हों परमेश्वर दर्शन दिता सी, मजबूत बंदा, ओदा की बनूगा जिन्हें आज तक एक दर्शन नहीं पाया। वह भजया जरा मजबूत सीगा, जिन्हें जिन्हें कुछ है ही नहीं है ओनू की करना चाहिए, सोचो तो उड़ना चाहिए, भजना नहीं चाहिए। हां कि ना, हैप्पी न्यू ईयर अपने आप हैप्पी नहीं होना, और मन बनाना पड़ता कि नहीं आज साल जो मैं नहीं कर सका 16 मैं करांगा, जड़ी कमिटमेंट है परमेश्वर ने नहीं पूरी कर पाया मैं करांगा, मैं इनी प्रेयर करांगा, परमेश्वर सामने रहांगा, हजूरी च रहांगा, अरे काम में नहीं कर पाया मैं करांगा, अपने आप वो हैप्पी है फिर, हैप्पीएस्ट है। और याद रखो ये चर्च 2017 तनु परमेश्वर रीजन देगा, तो पास पुलर दे तनु रीजन देगा, अगर बिजनेस वाला फेल है और नवा बिजनेस देगा, नवे रीजन देगा, ते पुराने बिजनेस फेलियर भूल जाओगे, तो तनी फैमिली फेलियर भूल जाओगे, तुम परमेश्वर यीशु मसीह के सामने नाम दे विच